हे गाइस, जे गेमर में अब लॉन्ग वीडियो भी आने वाली है, तो वीडियो पूरा देखना। और ये पहला वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है सोलर मास। तो बेसिकली हमें इसमें एक प्लेनेट मिलेगा और उसको हम कितना बर्बाद कर सकते हैं और उसमें कितना प्लेनेट को नुकसान हो सकता है ये देखेंगे। मैंने भी इस गेम को पहले नहीं खेला है, तो मुझे भी नहीं पता इस गेम में क्या क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यह जे गेमर का लॉन्ग वीडियो फर्स्ट है, तो इससे जाके लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम गेम के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर साउंड काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, अचीवमेंट, प्लैनेट मास, सिस्टम मास, रिमूव एडवाइटर्स, सेटिंग अदर गेमर्स, एग्जिट। तो अचीवमेंट में जो हमने क्या क्या किया शायद वो है, और प्लैनेट मासेस यही हमें करना है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन हुआ हमारा प्यारा पृथ्वी, और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये कार्टून है, पूरा रियल लग रहा है। और इसे सूर्य के साइड पे करने पर तो ये तो और भी अमेजिंग लग रहा है। तो देखते हैं एशिया साइड में ये कैसा दिखता है। इसे जूम करने पर तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ पर जैसे पृथ्वी में ये रोटेट होती है वैसे ही हो रही है, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। और सूर्य के सामने तो ये और भी ज़्यादा। और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसे देख के लगता है कि इसे ही हमें करना है और इसे कितना पृथ्वी को नुकसान हो सकता है। देखते तो पहला ये ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले, इसे ही ट्राई करते। तो पहला हमने चूज़ किया और चलो समुद्र में ट्राई करते इसको। ये ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा है पर कुछ हुआ नहीं लगता इससे। तो एलियन मास लग रहे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, पूरा आधा का आधा ही ख़त्म पृथ्वी। और जो अंदर का लावा है वो भी साफ साफ दिख रहा है। ओ भाई साहब, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पूरा आधा पार्ट ही उड़ गया, काफ़ी ताकतवर था। तो सेकेंड वाले में देखते हैं इससे कितना पृथ्वी को ख़त्म कर पाता है। तो इसे सीधा एशिया पर ट्राई करते देखते हैं इससे क्या होता है। ओ काफ़ी ताकतवर ये भी है, इसने तो पूरा काट दिया। और आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसने कितने पीपल को डैमेज किया और कितने पीपल इससे मर गए। अभी इस समय पृथ्वी पर 4,761,000,000 पीपल हैं और डेथ हो चुकी है 3,243,000। बहुत ज़्यादा है, आधा पॉपुलेशन ख़त्म।
यहाँ पर थर्ड वाले को देखते इससे क्या होता है। तो अभी जगह ही नहीं बचा तो समुद्र के नीचे ही देखते इससे होता क्या है। तो एलियन लग रहा है, ब्लैक होल में से निकला हो अभी, और इसने आधा तो पूरा पृथ्वी का सामान ही ले लिया। इससे भी काफ़ी डैमेज हुआ है पृथ्वी। अब यहाँ पर लोगों की मरने की संख्या 3,544,000,000। अब पृथ्वी इतना ख़त्म हो ही चुका है तो पूरी तरह से एक साथ ही अटैक करके देखते हैं इससे क्या होता है। तो यहाँ पर हम फोर्थ पे जाते हैं और ये तो कीटनाशक लग रहे और पूरी पृथ्वी ख़त्म, पूरा इन्होंने छेद कर दिया। अब पृथ्वी में ऐसी कोई जगह बची ही नहीं है कि हम कहाँ ट्राई करें दूसरा, तो अभी हम चलेंगे दूसरे प्लैनेट पे। और कोई इस बार हम लेंगे कोई छोटा प्लैनेट, तो देखते हैं मरकरी पे क्या क्या है और क्या क्या होता है। और मरकरी तो चांद जैसा ही दिख रहा है, ये मरकरी है कि चांदी है पता नहीं चल रहा है। वापस से चेक कर लेते, और ये मरकरी है और काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, इसका साइज तो चांद जैसा ही है, मून के बराबर है ये। और इस बार हम ट्राई करेंगे एलियन व्हीकल, इसे देखते हैं इससे क्या होता है। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, हो जा भाई साहब, सेकंड वाला हुआ पर पहला वाला नहीं हुआ। तो पहला वाला सिर्फ टच करके देखते, और यहाँ पर कोई आ रहा है, रॉकेट आ रहा है। तो यहाँ पर भयानक टक्कर होने वाली है, बट काफ़ी स्लो है ये, इसको जाने में टाइम लग रहा है, और जूम करने पे तो और भी अमेजिंग दिख रहा है कैसे इसकी टक्कर होने वाली है। इसने तो पूरा हिला के रख दिया मरकरी को, और अभी तक डैमेज कर रहा है, काफी ताकतवर है। और इसने भी काफ़ी डैमेज किया है मरकरी को, इसने भी आधे से तो कम ही किया है पर अंदर तक किया इसने। तो यहाँ पर सेकंड वाला देखते हैं इससे क्या होता है। तो इतने 6 लेवल और 12 लेवल पता नहीं क्या है, तो डायरेक्ट टच करते हैं दूसरे साइड पे, और इसमें डायरेक्ट आ गए और प्ले नहीं। तो इसे काफ़ी कुछ ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुआ, बस ऊपर ऊपर का उड़ गया भा। तो थर्ड देखते, और ये जा रहा है
अटैक होने ही वाला है, और लेज़र लाइट जैसा दिख रहा है ये तो, और ये तो काट रहा है। लगता है इसके दो टुकड़े कर देगा ये, पर नहीं, ये तो ज़्यादा कुछ किया नहीं इसके, बस ऊपर ऊपर से लगता है चला जाएगा। मुझे लगा इसे दो टुकड़े करेगा, पर ये तो बस ऊपर ऊपर से चला गया, पर इसने पूरा लगता है राउंड मारेगा। लगता है इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हम फोर्थ वाले को ट्राई करते। तो इसने तो आधा पूरा ख़त्म ही कर दिया है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट पे देखते हैं इससे क्या होता है। और डायरेक्ट तो चला ही गया, और काफ़ी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। ओ भाई साहब, इसने तो ज़्यादा डैमेज किया है। इसके गोले तो पूरा उड़ने लगे, और अंदर तक लावा दिख रहा है। बहुत भयानक था सबसे, वो तो पूरा ब्लास्ट हो गया, चीतरे उड़ गए उसके। अभी तक था ये सबसे पावरफुल एनर्जी था, जिसने एक ही बार में मर्क्यूरी को ब्लास्ट कर दिया। इस बार हम चलेंगे इस बड़े प्लैनेट पे। तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, तो ये गैस प्लैनेट है। तो इससे देखते इसे आर पार चला जाता है कि इसका कुछ डैमेज भी होता है। और काफ़ी अच्छी तरह से रोटेट करी इसके, जूम करके देखेंगे तो क्या रोटेट हो रहे, अमेजिंग। आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा है कि इसमें हजारों पृथ्वी समा जाएगी तो भी जगह कम पड़ेगा, पर इसमें एक गैस प्लैनेट है, देखते इससे क्या होता है। जो हम पावर यूज़ करेंगे वो इस पर होता है कि इसके आर पार चला जाता है। तो यहाँ पे हम थर्ड वाला ट्राई करेंगे। इस सोलर एनर्जी लग रहे सब। तो पहला वाला ट्राई करके देखते हैं इससे क्या होता है। ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस डैमेज करके तो वापस से ठीक हो रहा है। ये कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं था। सेकंड वाला ट्राई करते, अटैक तो हो रहा है पर ये वापस से नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि गैस प्लैनेट है ना। थर्ड वाला देखते से क्या होता है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, बकवास। फोर्थ वाला, ये भी बकवास। फिफ्थ ने थोड़ा ज़्यादा डैमेज किया, फिर ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं निकला। सिक्स, तो जुपिटर का कुछ ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो फर्स्ट वाला देखते इससे क्या है, इसमें ब्लैक होल भी है, ट्राई करते। ब्लैक होल, तो ये दो ब्लैक होल इसका क्या क्या बिगाड़ पाते। ब्लैक होल ने ज़्यादा डैमेज किया, आते से कम पर खाली कर दिया। इस पर पृथ्वी गिराते, इस पृथ्वी जुपिटर से टक्कर, देखते आर पार निकलता है कि इसका डैमेज करता है। और पृथ्वी ने ज़्यादा डैमेज किया, पूरे अंदर तक इसका पार्ट दिख रहा है, और ये वापस से नॉर्मल हो रहा है।
पर नॉर्मल बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो अभी एक साथ बहुत सारे पृथ्वी, काफी डैमेज किया, पर ये छोटा हो रहा है। पर ये इसका गैस प्लेनेट वापस से नॉर्मल नॉर्मल वापस से नॉर्मल हो जा रहा है। एक साथ 10 पृथ्वी का अटैक। अब ये तो पूरी तरह से जुपिटर गायब। तो ये जुपिटर नहीं, जुपिटर का बेबी बन चुका है। तो यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। पर ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें। और भी बहुत सारे ऑप्शन बाकी है जिसने हमने ट्राई नहीं किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बोलिए, हम इसका अगला पार्ट ज़रूर लाएंगे और दूसरे प्लैनेट पर ट्राई करेंगे, देखते उससे क्या डैमेज होता है। अभी बहुत सारे प्लैनेट बाकी है, जुपिटर, मार्स, प्लूटो। आपका इसका सेकेंड पार्ट चाहिए कि नहीं कमेंट में प्लीज़ बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।